हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रही हूं EWS फ्रीशिप एडमिशन को लेकर। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे कमेंट के माध्यम से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म कब निकलेंगे। और देखिए, आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्हें EWS फ्रीशिप के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि देखिए, जिस तरह से एंट्री लेवल क्लासेस के लिए नर्सरी KG और फर्स्ट क्लास के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS DG कैटेगरी के फॉर्म भरे जाते हैं, उसी तरह से सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं। आप सेकंड से लेकर नाइन्थ क्लास तक अपने बच्चे का फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में भर सकते हैं। और इस फॉर्म को EWS फ्रीशिप कैटेगरी के एडमिशन का नाम दिया गया है। और इसके अंतर्गत अगर आपके बच्चे का फॉर्म भरने के बाद किसी भी बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आ जाता है, सेम प्रोसेस होता है। देखिए, जैसे एंट्री लेवल क्लासेस का होता है, वैसे ही सेम इसका भी प्रोसेस होता है। अगर किसी बच्चे का नाम आ जाता है लकी ड्रॉ में, तो उस बच्चे को निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है उस स्कूल में, जिस स्कूल में कि उसका नाम अलॉटेड हुआ है। तो आप में से ही बहुत से पेरेंट्स हैं जो बार बार मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म कब निकलेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि देखिए, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल अगस्त के महीने में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकले थे। और इस साल की अगर मैं बात करूँ तो एंट्री लेवल क्लासेस कि जो फॉर्म है, आप सभी को पता है कि बहुत ही टाइम से निकले हैं। और EWS फ्रीशिप कैटेगरी के जो फॉर्म है वो भी टाइम से ही निकलने की उम्मीद है। देखिए, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर DOE ने जारी नहीं किया है। और जैसे ही DOE EWS फ्रीशिप कैटेगरी के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी नोटिस करती है, कोई भी सर्कुलर जारी करती है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आप EWS फ्रीशिप कैटेगरी के जो फॉर्म है वो भी आसानी से भर पाएँ। और देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, और केवल जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पेरेंट्स, वही लोग इस कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपके पास जो चार डॉक्यूमेंट्स हैं जो एंट्री लेवल क्लासेस में आपने लगाए थे, वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ लगाने हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, उस बेस पे भर सकते हैं आप। अगर आपके पास BPL कार्ड है, उस बेस पे भर सकते हैं। आपके पास आय कार्ड है, उस बेस पे भर सकते हैं। या आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, तो उस बेस पर भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो ये प्रूव करेगा कि आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आया है। EWS DG और CWSN कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है, एंट्री लेवल क्लासेस के लिए आपके बच्चे का नाम नहीं आया, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं। और उस फॉर्म की जो जानकारी है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से लाती रहती हूँ। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबा के रखना है अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो, क्योंकि जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत उसकी जानकारी दूंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।